हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक वायर में रेसिस्टेंस होगा ही, और अगर रेसिस्टेंस होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़रूर होगा। तो अगर हीटिंग इफेक्ट है तो क्या इसका कोई रियल एप्लीकेशन है? वेलकम टू ई शिक्षा केंद्र स्टूडेंट, और ये है हम लोग का लेक्चर नंबर 9B। इससे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट लेक्चर 9A किया है, जिसमें हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट को समझा है। एंड इन दिस वेरी लेक्चर हम लोग इसके एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, जहां हम लोगों ने इक्वेशंस पी पावर के पावर इक्वल टू वी इंटू आई और हीटिंग इफेक्ट के इक्वेशंस को पढ़ा है और कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से रिलेटेड किया है। उससे अर्लियर 8 लेक्चर का जो सीरीज 8A 8B है, उसमें हम लोगों ने नेट रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट किया है। सो आई विल सजेस्ट यू दैट आप प्लेलिस्ट में जा करके जहाँ आई बटन है उसको ज़रूर देखें। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है, सो ये तो होना बिल्कुल ही है, क्योंकि रेसिस्टेंस है। इवन अ कंडक्टर हैज़ रेसिस्टेंस एंड सो देयर विल बी सम हीटिंग इफेक्ट, बट वी कैन यूज़ दिस हीटिंग इफेक्ट। वी हैव लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक कैटर, लाइक दीज डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, सो जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जो हीट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को कहते हैं। सो हम लोग ये डिवाइसेस में क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को यहाँ प्रॉपरली एड्रेस किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। हम लोग को पता है जो बल्ब होते हैं उनके अंदर जो टंगस्टन होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एंड अप टू 3380 डिग्री सेल्सियस इनके मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट के क्यों लिए गए हैं स्टूडेंट? क्योंकि वहाँ पर जो हमारा टंगस्टन होता है बल्ब के अंदर, उसके रेसिस्टेंस बहुत हाई होते हैं, और अगर रेसिस्टेंस बहुत हाई रखा गया है सो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होगा। उसी हीटिंग इफेक्ट में वहाँ पर हीट तो मेजॉरली यहाँ पर अपीयर होगा, बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू लाइट, एंड दैट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज व्हाट वी यूज। नाउ स्टूडेंट, अब बात आती है कि जब जूल्स हीटिंग इफेक्ट होगा सर्किट में, ओके, सो एक डिवाइस हम लोग के पास, दैट इज़ फ्यूज। आप इसको अपने सर्किट्स में देखे होंगे, घर में जो भी बोर्ड्स है, देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये कॉमनली है ना, हाउस होल्ड्स में आप लोग को दिख जाएगा बोर्ड्स के ऊपर, ये फ्यूज़ है। जो इसको, ये भी जो प्रैक्टिकल जो आप देख सकते होंगे, ओल्ड फैशन से ही ये सब फ्यूज़ चला आ रहा है। आज के डेट में ये आपको ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, अगर वो इन केस अगर ओवरलोडिंग हो जाए, एक्सेस मीन्स करेंट फ्लो करने लगे ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक जो होता है वो ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, नीचे ड्रॉप कर जाएगा। ओके, सो ये है हम लोग का MCB, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, ये सर्किट को ऑटोमेटिक ब्रेक कर देता है। ओके, सो फ्यूज़, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट, हम लोग फ्यूज़ स्टूडेंट यूज़ क्यों करते हैं? हम लोग को पता है स्टूडेंट, हर एक डिवाइस की एक कैपेबिलिटी होता है, दैट मच ऑफ करेंट इट कैन अलाउ टू पास थ्रू इट। अगर उससे ज़्यादा अगर करेंट पास हो जाए तो हमारे डिवाइस ख़राब हो सकते हैं। सो इससे बचाने के लिए, जब वो करेंट वहाँ जा रहा होगा डिवाइस तक, उससे पहले ही हम लोग फ्यूज़ यूज़ कर देंगे। जैसे आपको पता है, यहाँ जो भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट होंगे, ये सब प्रियोर पहले सर्किट जो हमारा फ्यूज़ है उससे कनेक्ट है, और जब भी करंट यहाँ से पास कर रहा होगा, और एक्सेस करंट अगर इन केस किसी भी सिचुएशन में पास करता है, तो डिवाइसेस को बचाने के लिए फ्यूज़ में लगे वायर ऑटोमेटिक मेल्ट कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। देन सो हैव अ लुक मोर ऑन फ्यूज़। देखिए स्टूडेंट, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर फ्यूज़ देखेंगे या फिर बहुत जगह, ये भी एक फ्यूज़ की कैटेगरीज है। इसमें ये जो वायर होता है वो ब्रेक कर जाता है। ये जो फ्यूज़ वायर है, हम लोग तो कॉमनली अगर देखते हैं, अगर ब्रेक कर दिया है तो किसी भी वायर को लेकर के कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। फ्यूज़ वायर के लिए स्पेशली अलॉयज आते हैं विच आर मेड ऑफ लेड एंड टीन, विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टेंस। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, हेवी करेंट अगर फ्लो करता है, सो हाई रेसिस्टेंस के कारण यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, और हीट ज़्यादा जनरेट होगा तो इसकी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट
बहुत कम है, ये आसानी से ब्रेक कर जाएगा एंड आवर डिवाइसेस विल बी सेफ्ड। ओके नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं उसके अंदर गैसेस फील होते हैं। गैसेस जो जनरली यूज़ करते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, हम लोग का इनर्ट गैसेस होते हैं। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन फिलअप करेंगे। अगर ऑक्सीजन फिलअप करेंगे स्टूडेंट, वहाँ पर जो हमारा टंगस्टन है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर है। ओके, और हाई टेम्परेचर पर अगर वहाँ उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो दैट इज़ द केस ऑफ फायर। सो ऐसा हम लोग को करना नहीं, हम लोग को कुछ ऐसे गैसेस को यूज़ कर लेना है जो कि इनएक्टिव हो, लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस आर यूज्ड। ओके नाउ स्टूडेंट, हर एक डिवाइसेस की रेटिंग होती है। जैसे आप देखोगे, अगर मान लेते हैं फॉर सपोज कोई भी डिवाइस, ओके उस पर पावर देखना, कुछ पावर दैट इज़ सम वॉट लिखा होगा, दैट इज़ इट वर्क्स ऑन 1 किलो वॉट। ओके सो यहाँ पर इसको बेटर समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि कैसे फ्यूज़ प्रैक्टिकली वर्क कर पाता है। एक बात और स्टूडेंट, फ्यूज़ वायर इज़ यूज इन कार्स इन अ कैटरेज ऑफ प्रोक्लेन और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल्स एंड्स। ओके सो देखते हैं इसको, ये आपका आज के डेट में ये प्रोक्लेन जिसको ये बोलना चाह रहा है, और इसके एंड्स है ना। अब इसके जो एंड्स होते हैं स्टूडेंट, ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये इस पॉइंट को है ना, इस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। अब इनके बीच में, इनके बीच में होता है वायर कनेक्टेड। ओके, और ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हमको क्या करेंगे, ये कनेक्ट करने में मदद करेंगे। ओके, अब क्योंकि यहाँ जो ये वायर यूज़ हो रहा है ना, ये है ना दैट अलॉय जो मेड होगा, अगर हाई अगर करेंट यहाँ से पास करना चाहता है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये सर्किट है ना टूट गया। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम लोग का लास्ट लाइन था, देखिए फ्यूज़ जो होते हैं वहाँ डोमेस्टिक पर्पज़ से बोलता है, जो यूज़ हम लोग करते हैं दैट इज़ ऑफ फ्यूज़, अगर मिलता है आपको मार्केट में तो दैट इज़ फ्यूज़ ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 और 10 एम्पियर। अब जिस तरह का नीड होगा उस तरह का हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं। देखते हैं, फॉर सपोज कहता है कि एक कोई भी डिवाइस है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, ओके, और उसकी कंजम्पशन पावर जो इलेक्ट्रिक पावर, ओके इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूमिंग पर यूनिट टाइम है ना, इलेक्ट्रिक पावर वो कितनी है, 1 किलो वॉट। सो ये लेट से पावर इक्वल टू 1 किलो वॉट, सो व्हाट यू कैन से इज इट इज़ 1000 वॉट। नाउ द वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड व्हाट अमाउंट ऑफ करेंट, यू नो फ्रॉम द अर्लियर क्लास ऑफ लेक्चर 9A दैट पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई। सो पावर इज 1000, वोल्टेज इज 220, 220 इज़ द कॉमन वोल्टेज इन द हाउस होल्ड। ओके सो आई इज़ द करेंट, सो व्हाट विल बी द आई ऑफ वैल्यू इज 1000 बाई 200 220 00। आप इसको कैंसिल आउट करो स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं तो हमारे वैल्यू कितनी आएंगी, 4 पॉइंट, करेंट की वैल्यू हम लोग की आ जाएगी 4.54 एम्पियर। सो स्टूडेंट, अगर किसी डिवाइस की पावर दी हुई है कि वो 1 किलोवाट है और घर की जो नॉर्मल वोल्टेज है 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, तो उसकी करेंट की जो डिमांड होगी वो है 4.54 एम्पियर। अब किसी वजह से इन केस शॉर्ट सर्किटिंग होता है, मींस शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, इन सब केसेस में हम लोग की करेंट की डिमांड एक्सेस बढ़ जाती है, या फिर हो सकता है कि एक्सेसिव वोल्टेज घर में आने से है ना, सप्लाई की वजह से एक्सेस करेंट फ्लो करना चाहता है, तो मिडिल में यहीं पर आ जाता है हम लोग का फ्यूज़ काम करने। और फ्यूज़ क्या करेगा, फ्यूज़ की अपनी रेटिंग है, फॉर सपोज डिवाइस को चाहिए 4.54 एम्पियर इन दिस वेरी सिचुएशंस। ओके तो अब जो हम लोग फ्यूज़ यूज़ करने वाला है स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा कितना, आप कितना एम्पियर लेना चाहोगे, 5 एम्पियर, यू कांट टेक 3 एम्पियर, यू कांट टेक 10 एम्पियर, विल बी टू मच हाई, सो यू विल प्रोबेबली यूज़ 5 एम्पियर। सो 5 एम्पियर का करेंट, अगर उसकी रेटिंग है कि फ्यूज़ जो है वो 5 एम्पियर की है, तो इट विल नॉट अलाउ टू गेट मोर करेंट पास, ओके देन 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर से करेंट ज़्यादा होता है तो हमारा फ्यूज़ हाई रेसिस्टेंस वाला हीट ज़्यादा है ना प्रोड्यूस होगा, और वो हीट के कारण उसकी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो ब्रेक कर जाएगी स्टूडेंट। सो दैट इज़ अबाउट आवर द पॉइंट फ्यूज एंड हाउ इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज़ आवर लेक्चर जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल अप्लीकेशंस ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट जो है हीटिंग इफेक्ट उसका उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस किया। और अब जो हम लोग का सीरीज स्टूडेंट स्टार्ट होने वाला है वो 10, और इस 10 सीरीज में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में स्टूडेंट। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। ओके, और इलेक्ट्रिक पावर में हम लोग ये सीख जाएंगे कि किस तरह से हमारे घर में अगर बिलिंग आ रहा है तो बोलते हैं कि 10 यूनिट, अगर 10 यूनिट और 100 यूनिट बिल हमारा या 200 यूनिट हमारा है ना इलेक्ट्रिसिटी उठा है। ओके, तो व्हाट हाउ द कैलकुलेशन गोज ऑन है ना, कितना एनर्जी एक्चुअली मैंने यूज़ कर लिया है। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट ऑल दीज नाउ है ना व्हेन वी गो थ्रू दैट लेक्चर ऑफ 10 सीरीज। सो होप यू लाइक द सेशन। ओके, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए एंड डू प्रमोट अस। ओके, थैंक यू।